यह तो विशिष्ट साधना से, आहारक लब्धि से उससे प्राप्त होता। भाइयों बात समझ रहे हो ना? कोई बात समझ नहीं आए तो कथा के बाद आप पूछ भी सकते हैं। ऐसे होता है, ये तीन हो गए। एक और शरीर होता है, उसको तेजस शरीर कहते हैं। वैसे तेज नाम अग्नि का होता है। तेजस शरीर वह हमारे इस शरीर में औदारिक में इसी में समाया होता है वह। उसके बाद क्या है? उसके बाद यह है, एक तो जो शरीर में तापमान टेम्परेचर है ये उसकी वजह से होता है। अगर वह इस शरीर में ना हो तो फिर ये ठंडा हो जाए, तापमान नहीं होगा, उसकी वजह से होता है। एक आपने शब्द सुना होगा जठराग्नि, जठर पीठ की आग, अर्थात जो खाना पचाने का काम करती है। ये तेजस शरीर है जो भोजन को पचाने का भी काम करता है। शरीर में कांति और तेज, बड़ा तेजस्वी आदमी है ये, तो इसका अर्थ है उसका तेजस शरीर निश्चित रूप से निर्मल है और इसीलिए वो तेजस्वी है। साधकों के शरीर क्यों तेजस्वी होते हैं? उनका यह शरीर निर्मल होता है, इसलिए वो उस तेजस शरीर के कारण यह जो उनका शरीर है यह कांतिमान देदीप्यमान तेजस्वी ऐसा होता है। पांचवा शरीर का नाम कारमान शरीर है। कर्म से कारमान बना, जिसमें अपने किए हुए जितने कर्म हैं इनका संचय होता है, ये वहाँ इकट्ठे होते हैं। वो जो सारा हमारा अच्छे बुरे कर्मों का जो हिसाब है वो सारा इसमें जमा होता है। बात को आसान करने के लिए थोड़ा सा समझ ले, समझा दूँ। घर में आप या कोई भी बिजली का प्रयोग करते हैं, चलाए जा रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है। थोड़ी हटकर बात कहूँ, परवाह करनी चाहिए। पैसों के लिए नहीं कह रहा मैं, भाई पैसे बचा लेंगे, पैसे तो कईयों के पास इतने ज़्यादा होते हैं कितने भी चला लो क्या फर्क पड़ता है, उनके इतने ज़्यादा पैसे होते हैं। सवाल हिंसा का, अहिंसा का, धर्म का और अधर्म का है। समझ आई बात? जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उतने ही ज़्यादा आरंभ होगा और उतने ज़्यादा कर्म बंधेंगे। आप गृहस्थ हो, आपके पास सारे साधन हैं, लेकिन उन साधनों का दुरुपयोग ना करो। जो आवश्यकता को उनके अनुसार, मैं तो उसकी कोई प्रेरणा नहीं दे रहा, मैं बात बता रहा हूँ, उसके अनुसार करो। ये नहीं कि भाई क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं, और 10 रुपये फालतू लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं। कई नुकसान होते हैं, ऐसा करने से अपने कर्म बंध ज़्यादा होते हैं, आरंभ होता है। बंध वो वस्तु को व्यर्थ में नष्ट किया जा रहा है, कहूँ फूंका जा रहा है, देश का नुकसान होता है। उतना आप नुकसान कर रहे हैं, आपके काम नहीं आ रही, आपके लापरवाही में चीज जा रही है, उसका नुकसान होता है। और फिर उसका अभावग्रस्तों को, ज़रूरतमंदों को, उन लोगों को किस तरह से दिक्कतें होती हैं, किस तरह बात होती है, वो ठीक नहीं है, देश का नुकसान है। समाज में असंतुलन बनता है और स्वयं के कर्मों का बंद होता है आरंभ के करने से। अति विवेकशील बनो, विचारशील बनो। कल मैं पानी की भी बात बता रहा था, वहाँ भी मैं यही बात कहना चाह रहा था।
चलो कुछ नहीं फर्क पड़ता, मीटर में और 10 रुपये ज्यादा आ जाएंगे। ये सोच करके ना चलो, ये सोच करके चलो कि अपकाय जीवों की हिंसा हो रही है। अपकाय जीव, पानी के जीव, सूक्ष्म जीव, उनकी हिंसा होने लग रही है। वो पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा। और जब पाप लगेगा कर्म बंद होंगे, वस्तु नष्ट होगी, नष्ट होगी पता नहीं कितने गले सूखे रहेंगे, पता नहीं कितने की जरूरतमंदों को चीज नहीं मिलेगी, सरकार का नुकसान होगा। ऐसा क्यों किया जाए? सरकार का नुकसान हो, समाज में नुकसान हो, अपने कर्म बंधे, क्यों ना विवेक से चला जाए, क्यों ना ढंग से रहा जाए जिससे कि कर्म बंध से बचा जा सके। समझ आई भाइयों मेरी बात? श्रावको ठीक है ना? हाँ तो भर दो कम से कम, विवेक रखो, ध्यान रखो। टंकियों का फिजूल पानी नष्ट क्यों करते हो? बंधुओ विवेक से चलना चाहिए, कर्म बंध से बचना चाहिए। मैं तेजस शरीर की बात कर रहा था और ये बताने लग रहा था कारमान शरीर की चर्चा में, बंधुओ बिजली चलाई, खूब चलाई, हिसाब किताब कहाँ है इसका? हिसाब किताब मीटर में है। कहाँ होता है? वहाँ चलती है यूनिट, कितनी खर्च होगी। और फिर वो बिजली वाला आता ना, वो जब देखता है, जब वो करता है, इतने कायम होगी भाई, आपने चलाई जब भी तो हुई, कायम हो, खर्च होगी इतनी बिजली। ऐसा तो है नहीं कि आपने चलाई नहीं है, बटन दबाया ही नहीं और ये ज़्यादा ज़्यादा चलती रहे, ऐसा तो होने से रहा। ये तो आपने खर्च करी थी, आपने चलाए थे साधन, इसलिए इसमें रीडिंग आ रही है, इसके अंदर होने लग रहा है। बिजली का हिसाब किताब बंधुओं मीटर में रहता है, और बिजली वाला आता उसे पढ़ता और फिर उसका गणित लगा देता है, इतने पैसे खर्च हुए जी, आपके इतने पैसे भरने पड़ेंगे। जैसे बिजली का हिसाब मीटर में होता है, क्या कहूँ, आपके किसी के हमारे जितने भी कर्म करते हैं, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों, उनका हिसाब इस कारमान शरीर में जमा होता है। ये वो मीटर है, इसमें आ जाता है सारा सारा, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, जो कुछ है वह सारा का सारा इसके अंदर जमा होता है। ये 5 शरीर हुए जो मैंने अभी आपको बताया। एक बार में एक व्यक्ति के पास में कितने शरीर हो सकते हैं? एक बार में अधिकतम 4 हो सकते हैं, और 2 तो उसके साथ रहते ही रहते हैं। 2 रहते हैं तेजस और कारमान। जब जीव एक काया को छोड़कर आगे शरीर धारण के लिए अगली जगह जाता है, तो बीच में उसके 2 शरीर होते हैं, उसके साथ में रहते हैं। 4 शरीर कब होते हैं? जिसको औदारिक शरीर, ये मानव शरीर है, उसके साथ में तेजस और कारमान भी उसके साथ है। अगर उसने लब्धि प्राप्त कर ले तो वह आहारक शरीर होने से 4 हो गए। आहारक न हो, एक वैक्रिय लब्धि भी होती है, कोई उसको प्राप्त कर ले तो भी 4 हो जाते हैं। वैक्रिय और आहारक, ये दोनों साथ साथ नहीं होते हैं। ये शरीरों की बात रही, जो जिक्र चल रहा है, बात चल रही है इन शरीरों के बारे के अंदर। 4 गति हैं, कितनी? और 4 गति में बंधुओ 84 लाख जन्म स्थान है, जहां पर अनंत अनंत जीव रहते हैं, वास करते हैं। यह जीवों की स्थिति, अनंत अनंत जीव रहते हैं। हमने तीर्थंकर आदि जो परम पुण्य की बात है, उन पर्यायों को छोड़ करके बाकी कोई ऐसा स्थान और शरीर नहीं है जिसको कि इस जीव ने धारण न किया हो। सब जगह उत्तम पुरुषों की बात छोड़ करके, उनके बात छोड़कर
बाकी इस जीव ने हर जगह हर स्थान हर कहीं जा जा करके देह धारण किए हैं, शरीर धारण किए हैं। इस तरह से अनंत अनंत काल से ये सब चला रहा है। इस शरीर के बारे में केवल जैन शास्त्रों में ही नहीं, इस शरीर के बारे में अनेक स्थानों पर अनेक जगहों पर चिंतन और विचार हुआ। पहली बात शरीर की बता रहा हूं। शरीर शब्द का अर्थ क्या होता है, यहां से बात करते हैं। भाई शरीर किसे कहते हैं? सामान्य परिभाषा शरीर की की गई, शीर्यते जीर्यते प्रतिक्षणम इति शरीरम, जो प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। प्रतिक्षण शरीर प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। बच्चा है तो बड़ा होता, प्रतिक्षण बड़ा होता, हर क्षण बड़ा होता है, और एक अवस्था आती है तो फिर वो घटना शुरू हो जाता है। प्रतिक्षण शीर्यते जीर्यते, जिसमें परिवर्तन आते हो, वो जीर्ण होता हो, क्षतिग्रस्त होता हो और एक दिन नष्ट हो जाता हो, उसको शरीर कहते हैं। यह है शरीर की परिभाषा। इस अपने शरीर के बारे में जो मैं कहूँ उसको सहज में लेना, कुछ ऐसा नहीं आपको कह रहा हूँ, ये तो जगत की बात है, शास्त्र की चर्चा है। इस शरीर के हमारे यही स्थिति है कि यह जीर्ण होता है, क्षीण होता है, प्रतिक्षण नष्ट होता है और एक समय आता है जब ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस शरीर की स्थिति है, शरीर के ये परिभाषा है। और इसलिए कहते हैं दुनिया की हर चीज़ फानी, देखिए नाशवान है सारी चीजें। ये शरीर ये भी नाशवान है। आपने पर्युषण चर्चाओं में इस बात को अच्छी तरह से सुना था, ये शरीर इसी तरह से होता है, ऐसे ही चलता है। शरीर के बारे में दो अवधारणाएं हैं। एक तो है शरीर के प्रति राग होना, बेहद राग होना, एक तो ये बात है, और एक बात है शरीर के प्रति थोड़ा द्वेष का भाव होना। ये दृष्टियां हैं, सोच है अपनी अपनी। राग भाव की तो ये बात है शरीर के प्रति, हर प्राणी का शरीर के प्रति मोह होता है, राग होता है। सब अपने शरीर के प्रति सावधान भी होते हैं, सजग होते हैं, और इसको धोना मांजना करना, शरीर कमज़ोर ना हो जाए, मैं पुष्ट रहूं, मैं बलवान रहूं, और तरह तरह की बातें सब शरीर के लिए करते हैं। कितने काम हैं इस शरीर के लिए, खाने पीने से लेकर के कितनी चीज़ जुड़ी हैं। कमाना भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, कमाने वाला भी यही है, और क्या, नहाना धोना पॉलिश कपड़ा, सबका जो केंद्र है वो है क्या, शरीर ही है। इतना इसके प्रति राग भाव रहता है, बहुत राग रहता है। यूं ही फिर बस इस राग में बस इसी तरह से हो जाता है, एक दिन ये सब रह जाता है। किसी ने कहा जिंदगी में दोस्तों गलती करूंगा एक बार, बार बार नहीं अनेक बार नहीं, एक ही बार। जिंदगी में दोस्तों गलती करूंगा एक बार, मैं कंधे पर सवार होऊंगा, तुम पैदल चलोगे। एक ही बार गलती है, परिणाम इसका अंतिम ये होता है। इस शरीर का कुछ भी कर लिया, इसका कितना पालन पोषण जो हो सकता है, कितना जितना भी कहा जा सके इसके लिए, वो सब कुछ करते हैं, परंतु अंत इसका यूं ही और इसी तरह से होता है। और बंधु दूसरा पहलू और पक्ष है जो शरीर से द्वेष करते हैं। पूछोगे द्वेष कौन करेगा, द्वेष तो कोई भी नहीं करे, जीना नहीं है,
शरीर से द्वेष करेंगे जिएंगे कैसे? शरीर से तो राग तो होता है, ये तो समझ में आए, द्वेष कैसे होता है ये भी एक बात है समझने की। महात्मा गांधी के जीवनी प्रसंग में एक प्रसंग आया। एक बार एक महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए आए। महात्मा, अब गांधी का तो बड़ा नाम था, आए मिलने के लिए। वहाँ गांधी ने उसको देखा, उस महात्मा ने चांदी के तारों से होंठ सी रखे थे। सीने का मतलब कोई कपड़े जैसी सिलाई तो होने से रही, मतलब बांध रखे थे अपने दोनों होंठ, और चांदी से, इसलिए भी सेप्टिक ना हो, कुछ ऐसा कहते हैं भी, लोहा से और उससे तो ऐसा हो जाता, उससे थोड़ा कम होता होगा। गांधी ने बार बार देखा, बार बार ध्यान गया, ये क्या भाई? गांधी ने पूछा, महात्मा जी ये क्या? उन्होंने कागज लिया और फिर अंग्रेजी में एक लंबा सा, जैसे निबंध लंबा सा, इसका उत्तर दिया। अंग्रेजी में लिखा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं, अंग्रेजी वाले पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे तो संस्कृत वाले भी होते हैं, पढ़े लिखे हिंदी वाले भी होते हैं, सभी होते हैं, परंतु कुछ बात ऐसी है, अंग्रेजी लिख दें तो कहते हैं पढ़ा लिखा है, और बाकी तो सादा आदमी है, हिंदी जानता बस, सोच है। उसने अंग्रेजी में लिखा, गांधी ने कहा भाई अच्छा। उस महात्मा ने ये बताया कि ये जो जबान है सारे दोषों का कारण ये है,